वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर क्लास एट्थ चैप्टर थर्ड में आप पढ़ रहे थे चार्ट, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ चार्ट आपको बता दिया था। तो आप लाइन चार्ट तक पढ़ लिए थे। टू टॉपिक इज पाई चार्ट। व्हाट इज पाई चार्ट? दिस चार्ट शो द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द आइटम्स। यह चार्ट क्या शो करता है? प्रोपोर्शनल साइज आइटम्स के प्रोपोर्शनल साइज को, जो उसको क्या बनाता है, मेक आइडियाज डेटा सीरीज टू द सम ऑफ द आइटम्स, जो कि बनाता डेटा सीरीज के सम आइटम्स के सम को। यह क्या होता है? इट ऑलवेज शो वन डेटा सीरीज, यह हमेशा एक ही डेटा सीरीज को शो करता है। दिस इज द सर्कुलर चार्ट। यह क्या होते हैं? सर्कुलर चार्ट होते हैं विच स्पेसिफाइज ईच डेटा, जो कि सभी डेटा को स्पेसिफाई करता है उसके वैल्यू को। वेन कंपेयर टू टोटली, जब टोटली कंपेयर करते हो, जैसे इसमें आप देख रहे हो पाई चार्ट कैसे बने हुए हैं। नाउ स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट क्या होते, फैले हुए होते हैं। स्कैटर चार्ट इज आल्सो नोन एज एक्स वाई चार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई चार्ट भी बोलते हैं। इट इज यूज टू प्लॉट द डेटा वैल्यूज यूजिंग डेटा मार्कर्स। इसमें क्या होते हैं? यूज करते हैं डेटा वैल्यूज को, यूज करते हैं डेटा मार्कर्स को। बट दीज डेटा मार्कर्स आर नॉट कनेक्टेड विथ एनी लाइन। लेकिन यही डेटा मार्कर्स क्या होते हैं? नहीं कनेक्टेड होते हैं किसी भी लाइन से। रादर दीज आर द स्कैटर इन द प्लॉट एरिया ऑफ दिस चार्ट। ये क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं प्लॉट एरिया, प्लॉटेड एरिया में यह चार्ट। दीज चार्ट आर यूजफुल। यह चार्ट यूजफुल होते हैं व्हेन देयर आर द मेनी पॉइंट्स टू प्लॉट, जब बहुत सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना होता। बट देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रेंड इन देयर राइज एंड फॉल। लेकिन कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं होता इसके लिए। नाउ एरिया चार्ट। दिस चार्ट एम्फेसाइजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। यह चार्ट क्या होता है? एम्फेसाइजेस करते हैं मैग्नीट्यूड को, चेंज करते हैं ओवर टाइम को, बाय डिस्प्लेइंग द सम ऑफ द प्लॉटेड वैल्यूज। और क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं जो भी सम प्लॉटेड वैल्यूज हो। एन एरिया चार्ट आल्सो सोज रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू द होल। एरिया चार्ट क्या शो करता है? रिलेशनशिप पार्ट ऑफ द होल को। डॉट नट चार्ट क्या होता है? डॉट नट चार्ट शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू अ होल। अनलाइक अ पाई चार्ट, इट कैन कंटेन मोर देन वन डेटा सीरीज। डॉट नट से क्या होता है? रिलेशनशिप को शो करता है होल पार्ट ऑफ चार्ट का। और यह क्या होता है? अनलाइक होते हैं किसके? अ पाई चार्ट। अरे क्या करते हैं? कंटेन होते हैं मोर, एक से ज़्यादा डेटा सीरीज। ईच रिंग ऑफ दिस चार्ट रिप्रेजेंट अ डेटा सीरीज। जितने भी रिंग है इस चार्ट में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा सीरीज को। इन दिस चार्ट द इनर रिंग इज फॉर टर्म फर्स्ट मार्क। इनर रिंग जो है इसमें टर्म फर्स्ट मार्क को रिप्रेजेंट करेगा, आउटर रिंग टर्म सेकेंड मार्क को रिप्रेजेंट करेगा। रेडार चार्ट क्या होता है? इन रेडार चार्ट ईच डेटा सीरीज हैट इज ऑन वैल्यू एक्सिस। इसमें क्या होते हैं? खुद की वैल्यू एक्सिस होती है फ्रॉम सेंटर पॉइंट से। जैसे इसमें आप देख सकते हैं सेंटर पॉइंट से जीरो, जैसे पारस का क्या है, माही का क्या है, श्वेता का, ईशान का, अनिशा की, इस सेंटर पॉइंट से वैल्यू होती है। एंड देयर इज द लाइन विच कनेक्ट द वैल्यू इन द सेम डेटा सीरीज। जो लाइन होती है सेम डेटा सीरीज से कनेक्ट होते हैं लाइन। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट क्या होते हैं? तो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट आर शो इन द फिगर बिलो। फर्स्ट इज द, जैसे इसमें आप देखिए मार्क डिटेल है। मार्क डिटेल में क्या दिया? नेम एंड टर्म फर्स्ट की सारी डेटा सीरीज एंड टर्म सेकेंड की। तो इसको आपको कंपोनेंट चार्ट में बताना है कंपेरिजन करके। तो मार्क ऑप्टेन क्या मार्क मिला है एंड नेम्स क्या है, ईसा का कितना है, पारस का क्या, ईशान का क्या। फर्स्ट टर्म का मार्क ब्लू लाइन से है एंड सेकेंड टर्म का डिटेल जो है रेड लाइन से है। ओके क्लास। तो एक्स एक्सिस क्या होते हैं? ये आपका लाइन एक्स एक्सिस है और ऊपर वाली जो है हॉरिजॉन्टल एक्स और वर्टिकल वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आल्सो नोन एज द कैटेगराइज एक्सिस। इसको हम कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं। वी शो द कैटेगरी ऑफ द डेटा पॉइंट्स दैट आर प्लॉटेड, जो कि क्या शो करता है? डेटा पॉइंट्स को, कैटेगरी को। एंड वाई एक्सिस आल्सो नोन एज सीरीज एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? सीरीज एक्सिस। वी शो द वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट दैट आर प्लॉटेड, जो कि डेटा पॉइंट को शो करता दिखाता है जो उस पर प्लॉटेड है। पॉइंट सीरीज डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं? द ग्राफ आर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द वर्कशीट। जो ग्राफ होते हैं बेस्ड होते हैं किसके वैल्यू को? वर्कशीट के। दीज वैल्यू आर नोन एज डेटा पॉइंट्स। इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डेटा पॉइंट्स कहते हैं। डेटा सीरीज द सेट ऑफ मेनी डेटा एंट्रीज। इसमें सेट क्या होते हैं? बहुत सारे डेटा एंट्रीज का, जो क्या होते हैं? सेम रो कॉलम में होते हैं वर्कशीट पर, इज कॉल्ड द डेटा सीरीज। चार्ट टाइटल क्या होते हैं?
चार्ट टाइटल गिवन टू द चार्ट इज नोन एज चार्ट टाइटल, जो चार्ट दिया रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ट टाइटल कहते हैं। इट कैन बी टेकन फ्रॉम द वर्कशीट और कैन बी एडेड डायरेक्टली टू द चार्ट, इसको हम वर्कशीट में ले सकते हैं और इसको डायरेक्टली चार्ट में ऐड कर सकते हैं। डेटा लेबल्स या टेक्स्ट डिस्प्ले होता है जो डेटा पॉइंट्स को इंडिकेट करता है स्पेसिफिक कैटेगरी को। लीजेंड क्या होते हैं, आइडेंटिफाइज ईच डेटा सीरीज होते हैं। यूनिक कलर और पैटर्न होते हैं जो असाइन होते हैं ईच डेटा सीरीज को, जो कि इसको ईजियर बनाता है और डिफरेंस होते हैं उसमें विजुअली होते हैं। प्लॉट एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ चार्ट इन विच वी प्लॉट आवर डेटा इज नोन एज प्लॉट एरिया, जो कि हमारे डेटा में प्लॉट होते हैं उसे कहते हैं प्लॉट एरिया। नाउ जनरेटिंग अ चार्ट, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि क्लास कैसे चार्ट को जनरेट करते हैं। ओके, थैंक यू।